नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी। मैं हूं ब्लॉक ब्यूरो देवेंद्र कुमार। दर्शकों, आज हम आपको लेके आए हैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अन्नी में। तो हमारे बीच में हैं स्कूल के प्रधानाचार्य खेमसिक जम्वाल जी। आइए इनसे जानते हैं कि स्कूल की स्थापना कब हुई और हमारा ये जो संस्थान है कैसे अन्य संस्थानों से अलग और बेहतर है। तो श्रीमान, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले तो न्यूज प्लस टीवी का जो है अपने विद्यालय में आने पर जो स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला है, इसकी स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई? ये हमारा स्कूल जो है ये गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल 2016 में जो अस्तित्व में आया, और ये कुल्लू का जो है ये दूसरा गर्ल्स स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये पहले ना तो प्राइमरी था, ना मिडिल, ना हाई स्कूल। ये डायरेक्ट जो है ये 2016 में जो है ये सेकेंडरी स्कूल बना, और इस समय जो है यहाँ पर लगभग जो है 420 छात्राएं जो है यहाँ पर अध्ययन कर रही हैं। पिछली बार जो है हमारा यहाँ का जो एकेडमिक की बात करें हम, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा यहाँ पर। बोर्ड में जो हमारे स्कूल से, यहाँ से आंचल कश्यप, जिसने कि बोर्ड में जो है वो छठा स्थान प्राप्त किया था। अगर हम एकेडमी की बात करें तो 90+ से ऊपर जो है हमारे स्कूल की लगभग जो है वो 15 छात्राएं थी। साथ ही रिजल्ट जो 100%, चाहे वो 10th का था, चाहे ये प्लस टू का था। एकेडमिक में जो हमारे यहाँ ख्याति शर्मा थी, उसने जो है यहाँ पर 672 अंक लेकर जो वो पहला स्थान प्राप्त किया था, और प्लस टू में आंचल कश्यप ने जो है 481 अंक लिए थे। ये तो हमारी एकेडमी की बात है। यहाँ पर स्टाफ बहुत अच्छा है, पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चली है। अभिभावकों से निवेदन रहेगा कि अभी इस सेशन में जो एडमिशन चली है, तो जो भी अभिभावक यहाँ पर जो अपनी बेटियों को जो है शिक्षा देना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है टाइमली एडमिशन ले लें। 9th से प्लस टू अभी पेपर चले हैं, तो 10th प्लस वन और प्लस टू की जो एडमिशन है ये जो है पेपरों के बाद होगी। छठी से 9th तक जो एडमिशन चली हुई है, और बहुत सारी छात्राओं ने यहाँ पर एडमिशन ले भी ली। अगर मैं 9th क्लास की बात करूँ तो यहाँ पर जो इस बार स्ट्रेंथ बढ़ी है, पिछली बार हमारे पास जो है 66 छात्राएं थी, तो अभी जो हमारे पास 83 छात्राएं हो गई है 9th क्लास में। एकेडमी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स की, कल्चर की, तो इस स्कूल का जो है काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस रहती है। और पिछली बार अगर हम इसमें देखें कल्चर में, स्टेट तक चाहे वो संस्कृत गीतिका थी और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल था, तो उसमें जो है स्टेट में संस्कृत गीतिका प्रथम स्थान और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल में जो है ये द्वितीय स्थान लिया था। और फोक डांस जो है पिछली बार डिस्ट्रिक्ट में जो हम सेकंड आए थे, लेकिन उससे पहले हम जो स्टेट गए थे फोक डांस में। और अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो वॉलीबॉल में ब्लॉक लेवल पर जो है हमारी टीम जो है प्रथम आई थी, और वो जो है पूरी की पूरी टीम जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गई थी। इसके अलावा यहाँ पर स्टाफ बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, छात्राएं बहुत ही ओबीडियंट है, अध्यापकों का कहना मानती है, और पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में और अदर एक्टिविटीज़ में जो है काफ़ी आगे है। तो अभिभावकों का भी, SMC का भी हमें जो है पूर्ण सहयोग मिलता है, तभी जो हमारा स्कूल जो है बहुत आगे बढ़ रहा है और चल रहा है। 2016 के बाद काफ़ी ऊंचाइयां जो है इस स्कूल ने जो है वो प्राप्त की है। अंत में सर एक सवाल। सर, आप देखिए, लड़कियां देश की अर्थव्यवस्था को मतलब चलाने में पुरुषों का कंधे से मतलब सहयोग कर रही हैं। तो अंत में आप प्रदेश की और देश की और क्षेत्र की जो लड़कियां हैं, जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, देश की सेवा करना चाहती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे न्यूज़ चैनल के माध्यम से? जी जैसा कि आप भी जानते हैं कि लड़कियां जो है लड़कों से कम नहीं है, चाहे वो हम एकेडमिक पढ़ाई की बात करें या जॉब की बात करें या किसी भी फील्ड की बात करें। इवन अभी तो ये जो है आर्मी में भी जा रही हैं, पुलिस में जो है भर्ती हो रही हैं, तो लड़कियां भी जो है लड़कों से कम नहीं है। अगर हम देखें, अभी हम कई बार जो है ये फेसबुक वगैरह पर भी देखते हैं, लड़कियां इवन अब जो है ये ट्रांसपोर्ट वगैरह में गाड़ियां भी चला रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चला रही हैं, बहुत सारी
लड़कियां जो अब आर्मी में भी हैं और इसके अलावा एरोप्लेन वगैरह चला रही हैं, तो सभी छात्रा ये छात्राएं जो अब लड़कों से भी ये लड़कियां जो मतलब कम नहीं है, आगे ही बढ़ रही हैं। और उम्मीद करता हूं कि ये लड़कियां किसी भी फील्ड में जाएं लेकिन उसमें जो अपना 100% दें, जिसमें इनका इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाएं। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब करें, प्राइवेट जॉब भी बहुत सारी हैं, तो जिन जहां पर इनका इंटरेस्ट है। बच्चों को जो एम ए फोर्स नहीं करना चाहिए कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो भी इनको अपने जीवन में जो भी इनका लक्ष्य है उसको जो है प्राप्त करें और ईमानदारी से करें, और अपने जो भी इन्होंने आगे अपनी फील्ड चुननी है तो उसमें जो अपना 100% दें, तभी जो है ये सफलता मिलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने न्यूज़ प्लस टीवी के माध्यम से इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, तो न्यूज़ प्लस टीवी के साथ बने रहिए। नमस्कार। नमस्कार।